हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस प्राइमी लर्निंग विद किशन। ओके, अरे ये क्या आ गए, ये लड़का लड़की, एलिफेंट भी आ गया, अरे पेंसिल्स भी, यहाँ तो ये अलग अलग चीज़ें, बहुत चीज़ भी आ गई, कार, अरे ये तो कोई प्लेस है, बाहर की जगह है। ये सब जो चीज़ें आपने देखी, इसे नाउन कहा जाता है। इस वर्ल्ड में हर एक चीज़ का एक नाम है, उस नाम को क्या कहा जाता है, नाउन। जैसे पर्सन में कोई बॉय, गर्ल, मोम, डैड, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, इस तरीके से। प्लेस हमारा स्कूल भी हो सकता है, घर भी, प्लेग्राउंड भी। एनिमल में डॉग भी, काउ। थिंग्स में बुक, फ्लावर, शूज, पेंसिल, कोई भी चीज़। हर एक चीज़ को नाउन कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हर एक चीज़ को एक नाउन नाम दिया गया। ठीक है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग, ये सब नाउन होती है। क्या होती है? नाउन। तो हमारा आज का टॉपिक है नाउन। आज हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड। हर चीज का एक नाम होता है। जैसे आपका भी नाम है, किसी का नैतिक है, किसी का केशव है, किसी का शौर्य है, वंशिका, इस तरीके से आप सभी के भी नाम है ना, तो वो क्या काउंट होते हैं? वो पर्सन में काउंट होते हैं। वैसे ही नाउन भी एक नेमिंग वर्ड है। आप सभी का नाम काउंट होगा पर्सन में, क्योंकि आप सभी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद प्लेस, जहाँ हम घूमने जाते हैं, जैसे कि दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, वहां हम घूमने गए, वो क्या है? प्लेस, कि जहाँ हम घूमने जाते हैं। उसके बाद क्या आती है? थिंग्स लगा लीजिए, जैसे कि हमारे घर में होती है, अवेलेबल है, टीवी, चेयर, टेबल, अलमीरा, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, बकेट, इस तरीके से। ये सब चीजें क्या है? वो थिंग्स में काउंट की जाती है। तो नाउन क्या हुई? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज ए नाउन, बिकॉज मतलब हर चीज का एक नाम होता है। जिस भी चीज का नाम होता है, हर एक चीज क्या होती है, हम उसे बोलते हैं नाउन। उसे क्या बोला जाता है? नाउन। ठीक है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, देखिए, ऑल पर्सन, पर्सन में कौन आता है? बॉय, फादर, पोस्टमैन, जैसे कोई भी लड़की लगा लीजिए, वो भी एक पर्सन है। एक लड़का लगा लीजिए, पोस्टमैन, डॉक्टर, फादर, मदर, हमारे नेबर, वो सब क्या है? पर्सन। वो किस में आते हैं? पर्सन में। जो भी इंसान है, वो हर एक इंसान पर्सन में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आती है? थिंग्स। थिंग्स क्या होती है? लीजिए काइट, हम सभी बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, सभी बच्चों के पास पतंग है ना, तो वो पतंग क्या है? काइट क्या है? काइट भी तो एक चीज ही है ना उड़ाने के लिए। कार क्या है? कार ड्राइविंग करने के लिए हमें चाहिए होती है। अब ये बताइए मुझे, क्या कार में लिविंग होता है? मतलब कार में जान होती है? नहीं होती ना, कार एक थिंग है। थिंग्स क्यों बोला जाता है? जिसमें जान नहीं होती, उन्हें थिंग्स बोला जाता है। कार होगी, काइट होगी, और लगा लीजिए बॉक्स होगा, कोई भी बॉक्स लगा लीजिए, बॉक्स लगा लीजिए, चेयर लगा लीजिए, जो ये सब चीजें क्या है, ये सब काइट में सॉरी, ये सब चीजें थिंग्स में आती है। मतलब नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप देखिए, हम कहीं कहीं घूमने जाते हैं, कहीं हम दिल्ली चले गए तो हमने वहां लाल किला देख लिया, रेड फोर्ट देख, दिल्ली जाएंगे तो रेड फोर्ट तो देख के आएंगे ना, वेरी गुड। आप देखिए प्लेसेस में क्या आते हैं? कोई भी प्लेस, जहाँ ऑफिस लगा लीजिए, फादर मदर जो भी ऑफिस जाते हैं, उनकी शॉप हो, शॉप पे जाते हैं, गार्डन में जाते हैं घूमने। इनफैक्ट हम अगर स्कूल में भी आते हैं, वो भी एक प्लेस ही है, कि वहां पर स्कूल है, हमें वहां जाना है। मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है, ये एक प्लेस का एग्जाम्पल है, कि कोई भी बिल्डिंग जो हम देखने जाते हैं, कोई भी ऑफिस, गार्डन, ये सब क्या है? प्लेस में आते हैं। ओके, प्लेस क्या है? उसका स्थान। ओके, हमने अब तक क्या पढ़ा? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पर्सन, पर्सन में क्या? बॉय, गर्ल, मोम, डैड, फादर, मदर, कोई भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे इसमें। ओके, प्लेस में कौन, क्या क्या चीजें आएंगी? प्लेसेस में आएगा स्कूल, हमारे स्कूल हो गया, हमारा घर हो गया, हम मूवी देख के आते हैं, मूवी थिएटर हो गया, और क्या होता है? बीचेस हो गया, हम घूम कर आते हैं, या फिर हम दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, इस तरीके से हम किसी भी प्लेस पर घूम कर आते हैं, डिज्नी वर्ल्ड, ये सब किस में आते हैं? प्लेस में। उसके बाद क्या आता है? थिंग्स। थिंग्स कुछ भी होती है, हमारे घर में जो भी थिंग्स होती है, मान लीजिए टेबल, चेयर, बॉल पेन, पेपर, बॉल पेंसिल, शीट, कोई भी थिंग हो, ये सब क्या होंगी? थिंग्स हो जाएंगी। एनिमल। एनिमल में क्या क्या आता है? कैट, डॉग, बियर, कुत्ता,
कोई भी एनिमल, लॉयन लगा लो, एलिफेंट लगा लो, कोई भी एनिमल, वो किसमें आ जाएगा, एनिमल्स में। इस तरीके से अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, अ एनिमल, एवरीथिंग अ नाउन, बिकॉज इन सब का एक नाम होता है। ठीक है, हर एक चीज को नाउन कहा जाता है। ओके, आई होप कि आपको नाउन का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम न्यू टॉपिक नाउन के पार्ट्स करेंगे। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन।